आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर विवाद को लेकर बयान दिया तो अब सियासी गलियारों में बवाल मच गया। बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आग बबूला हो उठे हैं और होना भी लाजमी था क्योंकि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को बीजेपी की नौटंकी जो कह डाला है। ममता बनर्जी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबर के नाम के ढांचे खड़े किए जाने का दर्द नहीं पता, जिन्होंने लाठी नहीं खाई, जो जेल नहीं गए, वे श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों बाद श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर के निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते। जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते। न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं बल्कि पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है क्योंकि इन लोगों की नीतियों में सनातन का विरोध कर तुष्टिकरण की नीति से वोट को इकट्ठा करने की तैयारी रहती है। अब ऐसे लोगों की दुकान बंद होने वाली है। ममता जी ही नहीं पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके तुष्टिकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है और इसका नुकसान जो देश को तुष्टिकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूँ जो सभी को साथ लेकर चले, सबके बारे में बात करें, दूसरे समुदाय के लोगों की अब हेलना करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आप कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ऐसा कर रहे हैं, आप चुनाव से पहले नौटंकी शो कर रहे हैं, करें, लेकिन दूसरे धर्मों को छोटा मत समझो। मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ धर्मों के बीच बंटवारा नहीं होने दूंगी। आपने CAA और NRC के दौरान मेरा आंदोलन देखा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।